दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले वुमेंस वर्ल्ड कप का मैच जो कि खेला जाएगा, दोस्तों सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और साउथ अफ्रीका वुमेन वर्से इंग्लैंड वुमेन का मैच खेला जाएगा। और इंग्लैंड वुमेन की टीम के से इनके मेन बॉलर एनेस रूपसोल इस मैच के लिए अवेलेबल है और आपको खेलते अपनी नज़र आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन। मुझे तो सही लग रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग कर सकते हो। और इस वीडियो में ना जो हमने लास्ट गिव अवे किया था उसका विनर भी आपको मैं निकाल के दूंगा। जो हमने गिव अवे क्वेश्चन किया था उसका विनर भी आपको निकाल के दूंगा। जिसका आंसर राइट होगा एंड एंड मार्कअप उसको मिलेगा पेटीएम कैश। तो अभी हम बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो आपको डेमो टीम शेयर करूँगा, लेकिन फाइट टीवी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ फाइन स्मॉल लिख की और ग्रैंड लेकर टीम आपको डेट लाइन से 15 मिनट पहले शेयर कर दूंगा। तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट मेथड है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, पहले वाले लिंक पर क्लिक करके आप रियल टेलीग्राम जूस से ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको फाइन स्मॉल लिख की ग्रैंड लेकर टीम आपको फाइन टीम को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ, जहाँ पर करंटली अभी टाइम करंटली 24,000 से ज़्यादा यानी 24,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम जूस से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर 24,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ज्वाइन करके। अगर आपको सर्च करना तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना F11 टीम, आपको चैनल देखने को मिलेगा जहां पे 24,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल मिस मत कर, टेलीग्राम से फायदा रहेगा आपको, टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स वगैरह फाइन टीम ग्रैले की स्मॉल टिप्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँ। तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे 24,000 से ज्यादा लोग हैं। एंड बात करते दोस्तों, ये सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और ये मैच बता दो सुबह 6:30 पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको कैसे भी एक्टिव रहना है, 6 बजे सुबह कैसे भी उठ जाना। एंड बात करते लाइव ऑफिस देख सकते हो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हो। बात कर पिच रिपोर्ट, दूसरी विकेट है, ये जो विकेट है ना ये बाउंड्रीज मतलब कि ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, शॉर्ट बाउंड्री से, यानी आपको एक ठीक ठाक स्कोर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो मान के चलिए अराउंड आपको वही मतलब 270 या फिर 260 आपको प्लस स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। तो आपको डेने वाट आपका अच्छी खास परफॉर्मेंस आपको दे सकती है और टाइम इवेंट। अभी हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन का जो कि लाइनअप होनी चाहिए, ओपन करेगी लीजा ली, ओपन करेगी लॉरेन वॉल्विट के साथ ओपन करेगी। एंड आपको पता है बाउंड्रीज छोटी है और लीजा ली हीटर है, आपको पता है टीम की तरफ से अभी तक बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन कभी भी बड़ी इनिंग खेल के दे सकती है। लॉरेन वॉल्विट के साथ ओपन करेगी लारा गोडल जो कि वनडन बैटिंग करेगी टीम की तरफ से। सुनील उस कैप्टनसी करेगी, फोन दै बैटिंग और पार्ट टाइम बॉलर भी और बॉलिंग भी करेगी अच्छे अमाउंट में। उसके अलावा मैग्नेट फेस फिर दै बैटिंग करेगी, मजीना कैप सीधना बैटिंग, चार्लो टेन सीधना बैटिंग करेगी, ट्रिस्टी चैटी जो कि 8 बैटिंग करेगी, सुमन स्मिल जो कि 9 बैटिंग, उसके अलावा एम क्लास या उसके अलावा एक हक्का। तो ये है साउथ अफ्रीका वुमेन का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर, यही बैटिंग ऑर्डर हो चाहिए, यही लाइनअप होनी चाहिए। एंड बात करते हैं इंग्लैंड वुमेन का जो कि होनी चाहिए, मुझे ना ज़्यादा इंग्लैंड वुमेन ज़्यादा मतलब कि फेवरेट लग रही, तो आप लोग इंग्लैंड वुमेन के ज़्यादा पेट से लेना। टैबी बेंड ओपन करेगी डेनी वॉट के साथ ओपन करेगी, आपको पता है डेनी वॉट टीम की तरफ से कितनी अच्छी प्लेयर है, वन डाउन है द नाइट शॉर्ट बाउंड्रीज है, ज़्यादा कुछ बताने की होती है, सीबी से रोटेट कर लीजिए ग्रैली टीम है। नेटलेस का फोन है बैटिंग प्लस कन्फर्म 10 पाएगी, एमी जोस फिर दें बैटिंग प्लस टीम से विकेट कीपिंग करेगी, सोफिया डेंगली सीधा बैटिंग करेगी, केटली बर्न से न बैटिंग, सोपेल स्टोन 8 बैटिंग करेगी, केटी क्रॉस 9 बैटिंग प्लस कन्फर्म 10 ओवर, चार्ली टेन टीम की तरफ से बॉलिंग में कन्फर्म पा रही है, एनर सुपसोल इस वापसी करने वाली है, आप इनको सीबी से रोटेट कर लीजिए ग्रैली टीम, क्योंकि ना फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करेगी। तो ये है इंग्लैंड वुमेन का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर। एंड बात करते हैं टॉप पिक्स, अब जो टॉप पिक्स है कोई आपको स्टैट्स नहीं, आपको जूत ही पड़ेगा, अब इन्हीं टॉप पिक्स से बहुत अच्छी टीम बना लोगे। तो पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेन के टॉप पिक्स है, सुमन स्मिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जूर से कवर कर लीजिए टीम की तरफ से, अभी तक 7 खेल चुकी है इस सीरीज में और 11 विकेट ले चुकी है, तो इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से। दूसरा लॉरेन वॉल्विट जो कि इंपॉर्टेंट है, जूर से कवर कर लीजिएगा शॉर्ट बाउंड्री से, आपको अच्छी खास परफॉर्मेंस आपको करके दे सकती है, 7 खेल चुके 433 स्कोर कर चुकी है, 7 खेली 433 स्कोर की है और टीम की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंग्लैंड वुमेन की टीम में से जो टॉपिक्स होंगे आप भी जानते हो, नेटली स्काइवर शॉर्ट बाउंड्री से कंफर्म 10 और पाएगी, प्लस डेथ में बॉलिंग करने आती है, हालांकि ओडीआई में कभी भी आपको डेथ से मतलब तो नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि ऑलमोस्ट हर एक मैच है डेथ में बॉलिंग करते, हर एक मैच होती है, इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से कवर कर लीजिएगा। टीम की तरफ से अभी तक इनका 54 का एवरेज है, 7 खेल चुके 273 स्कोर कर चुकी है। एंड उसके अलावा टेबीमेंट जोर से कवर कर लिए टीम की तरफ से, इंपॉर्टेंट है टीम की तरफ से ओपन करेगी, 7 खेल चुके 243 स्कोर कर चुकी है और शॉर्ट बाउंड्री से आपको ठीक ठाक स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे जोर से शेयर कर दूंगा, तो जिसको फ्री विनिंग टीम चाहिए ना टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी को थैंक यू कि आपने 24,000 की फैमिली हो चुकी है, 24,000 सोचे मतलब कि बहुत मतलब खुशी होता है देख के, 24K की फैमिली काफ़ी मतलब एफर्ट्स भी लगता है, लेकिन सपोर्ट आप लोग बहुत करते हो, सभी को दिल से थैंक यू। अब बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन, तो बता चुका हूँ, अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस।
अभी हम बात करते हैं आपको फटाफट से ना, आपको प्लेयर वाइज एनालिसिस दे देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि मैच तो मुझे सही लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप लोग कर सकते हो। वुमेन मैच है और आपको पता है वुमेन मैच आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, बात को कीपर सेक्शन है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब को ऑन के और प्रेस करके जिससे आने वाले वीडियोज के सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बात को कीपर सेक्शन है तो बता दूँ, उससे पहले जो भी टॉप मतलब कि मैच जीतेगी सीधा फाइनल खेलने जाएंगे, तो मुझे लगता है इंग्लैंड वुमेन थोड़ा सा फेवरेट रहेगी, बट फिर भी साउथ अफ्रीका भी कमजोर नहीं है, एमी जो सबसे बेटर ऑप्शन है, नीचे कुछ खास है ही नहीं तो साइड रखना। लॉरेंट वॉलबर्ट इंपॉर्टेंट हैदर नाइट इंपॉर्टेंट, अब हैदर नाइट क्यों इंपॉर्टेंट, शॉर्ट बाउंड्रीज है, आपको पता अगर कि टीम अगर पहले बैटिंग करे तो इंपॉर्टेंट है कि टीम की तरफ से कवर करके चला। टेबी बेंट इंपॉर्टेंट है, डेनियल वाट शॉर्ट बाउंड्री से, हालांकि देखोगे तो ये ऐसे प्लेयर से मैं आपको बता दूँ उसके नीचे कुछ खास है, ये जो पांच प्लेयर्स हैं ना, ये पांचों तक टीम से ऐसे प्लेयर जो कि कभी कॉन्सर्ट तो नहीं रहते लेकिन बड़े नहीं खेल लेते इजीली, तो इन पांचों को तो अपने कवर नहीं कर सकते स्मॉल टीम में, लेकिन अपनी ग्रैली टीम कवर कर सकते इन पांचों की एक टीम में। फिलहाल के लीजा ली को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि हिट मिस टाइप की है, क्या पता है सबसे पहले ओवर में मतलब कि विकेट ले ले, साइड रखते हैं डेन वाट को भी साइड रखते हैं, बट डेन वाट हो सकते हैं अपनी बैटर पिक, हैदर नाइट इंपॉर्टेंट ड्रॉप मत करना अगर पहले बैटिंग हो तो टॉप के थ्री ले लो। उसके ऑलराउंडर से नेटलिस का मजीना कैप सुनील यूस इंपॉर्टेंट है, केटले बंट इंपॉर्टेंट, देखो बंट को ड्रॉप करके सोचना तो बात ही नहीं है क्योंकि बंट दोस्तों अगर बंट को ड्रॉप करोगे तो कितने बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, क्योंकि बंट दोस्तों कन्फर्म 10 रुपए आएगी प्लस टीम से विकेट टेकी पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, हालांकि वो लास्ट मैच में बोला था सीवीसी रोटेट करने के लिए तो उसमें तो 3 विकेट ले ली थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लास्ट कुछ मैचेस में सिर्फ 6 ओवर पा रही है, तो ये थोड़ा सा डाउट रहेगा कि बंट कितनी ओवर पाएगी, बट फिलहाल के कवर करना चाहूँगा जिसमें जो मैंने आपको बोला था कैप्टन बनाने के लिए उस स्पीड को कोई ट्राई नहीं कर रहा था। देखो हमने ट्राई किया था स्मॉल टीम में, उन्होंने बोला था आप ग्रैली टीम रिवर्स कर लीजिएगा सीवीसी में, कवर करना चाहूँगा पॉइंट को ड्रॉप नहीं करना, चाहे सुनील उसको करे, बस सुनील उसको ना बैटिंग करेगी। बॉलिंग सेशन से सबसे पहले एंडर सुपसोल को ले लो, इसमें जो वापसी करने वाली विकेट टेकी प्ले टीम की तरफ से, सोपेल स्टोन को ले लो, बसता है 7 विकेट एंड मुझे इसी चीज़ का डर था, तो अभी मुझे 2 एक्सपेरिमेंट करने पर टीम है। पहला आपको बताता हूँ, देखो इनिशियली टीम तो काफ़ी सही है लेकिन जो रिस्क टेकर क्या कर सकते हैं, टेमी बुमेंट की जगह पर डेनियल वाट को ट्राई कर सकते, उसके समय आपके पास 1 किट बच जाएगा, लेकिन आपको बता दो टेमी बुमेंट अच्छी परफॉर्मेंस करके आपको दे सकती है। तो अभी टेमी बुमेंट के साथ जाते, बॉइंट को ड्रॉप करने का मन नहीं कर रहा, सुनील उसको करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि कन्फर्म हो पाएगी, और उसके अलावा केटी क्रॉस विकेट टेकी प्लेयर है, सोपेल स्टोन को ड्रॉप करने का मन नहीं है बिल्कुल भी, तो अभी मुझे रिस्क लेना पड़ेगा लॉरेंट वॉलवुड के ऊपर। लॉरेंट वॉलवुड को ड्रॉप कर लीजा ली को ट्राई करोगे तो 8.5 किट बच जाएगा, हालांकि थोड़ी सी रिस्क तो जरूर से रहेगा लेकिन रिस्क अगर काम करेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको मतलब टीम चल जाएगा, तो 8.5 किट बचता है। आप चाहो तो इस टीम के साथ भी जा सकते, एक हक्का को ट्राई नहीं कर पा रहे तो उसी क्रेडिट प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ रहा है, तो अभी मैं चेंज करता हूँ हैदर नाइट की जगह पे लॉरेंट वॉलवुड को पिक कर लो, हालांकि हैदर नाइट मुझे ज़्यादा फेवरेट लग रही है तो हैदर नाइट को ड्रॉप में करना नहीं चाहता। खैर अभी मुझे एक ही रिस्क वजह से दिख रहा है कि सोपेल स्टोन को ड्रॉप करके एक बैकअप प्लेयर ले लो केटी क्रॉस, हालांकि थोड़ा रिस्क जरूर से लेकिन चलो ठीक है रिस्क ले ही लेते हैं। ठीक है 8 किट बचता है, 8 किट में भी अच्छे प्लेयर नहीं पाएंगे तो मैं टेमी बुमेंट के जो अटेंड वर्ड को ट्राई करूँगा, तो टीम मेरी ओवरऑल टीम बन चुकी है, हालांकि टेमी बुमेंट को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की है, हैदर नाइट को ड्रॉप करने की गलती करना नहीं, या फिर एक और रिस्क ले सकते हो, हैदर नाइट को ड्रॉप कर मत करो, टेमी बुमेंट को ड्रॉप करते लॉरेंट वॉलवुड की ड्रॉप कर दो, ये ज़्यादा आपके लिए बेटर रिस्क हो सकता है। 9.5 किट बचता है, आप केटी क्रॉस के जगह पर इलिस्टोन को ट्राई करो, 8.5 किट बचता है, आप उस केस में ट्राई कर सकते हो एक बॉलर को, जैसे ट्राई कर सकते हो कुछ खास प्लेयर है नहीं, मुझे ना एक हक्का चाहिए बट किट प्रॉब्लम पड़ रही, 9 किट बचता है केटी क्रॉस, ओवरऑल टीम बन चुकी 0.5 किट बचता है, अगर मेरे पास किट रहता तो मैं ट्राई कर सकता था लॉरेंट वॉलवुड को अच्छी प्ले टीम की तरह से, तो ओवरऑल टीम बच चुकी है, थोड़ा सा ट्रिकी टीम है लेकिन इतना जो से बता रहा हूँ अपनी टीम में ना सोपेल स्टोन ड्रॉप का बहुत बड़ा रिस्क रहेगा, अगर सोपेल स्टोन चाहिए तो केटी क्रॉस को केटले बंट को ड्रॉप कर दो, एक हक्का ड्रॉप कर सोपेल स्टोन ट्राई करो, 8.5 किट बचता है, ट्राई कर सकते हो, उसके समय बॉलर्स में कुछ खास है ही नहीं जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ खास पर दिख ही नहीं है। मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप भी बस सोचे क्या कर रहे हो, मतलब कि यार कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को भी, अभी पिक कर लो तो सेफ ही जा रहा हूँ मैं भी। ठीक है इलिस्टोन को पिक कर लो, सुपसोल को पिक कर लो, डेन को पिक कर सकते हो, मैं सुपसोल के साथ जाना चाहता हूँ, 8 किट बस, 8 किट कोई प्लेयर है ही नहीं, तो ओवर टीम बन चुकी है, हालांकि 0.5 किट बच ही जा रहा है, बट फिर भी अभी टीम वो टीम ही मैं क्रिएट करा हूँ जो मेरे को टीम दिखा देता हूँ। अभी मुझे ना लॉरेंट वॉलवुड को ऐसे भी ड्रॉप ही करना पड़ रहा है, और अपनी टीम में ना लॉरेंट वॉलवुड के अलावा हैदर नाइट को भी ड्रॉप करना पड़ रहा है, देखते हैं फाइनल टीम में किसके ऊपर रिस्क लेंगे, हम चाहे तो टेमी बुमेंट के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है टेमी बुमेंट को ड्रॉप करके हैदर नाइट को, हैदर नाइट मुझे ज़्यादा स्पेशल लग रही है, वो फाइनल टीम में सोचेंगे, अभी के लिए जाए कॉन्टेस्ट को बस बुक करना है। कैप्टन कैप्टन बात करें तो नेटलिस कैपर सबसे बेस्ट है सीवीसी के लिए, और मसीना कैप एज ए वाइस कैप्टन, क्योंकि नेटलिस कैपर तक बॉलिंग करने आ रही है प्लस टीम की तरफ से कन्फर्म 10 और ऑफ 4 है
बैटिंग करेगी। तो दोस्तों ये थी मेरे स्मॉल स्मॉल के, अगर जो रिस्क टेकर है वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आमिर जोन्स को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा मतलब दूसरा प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, उसके समय एक और प्लेयर आप ले सकते हैं इंग्लैंड मूवमेंट के। तो उसके समय क्या कर सकते हो, लिजा ली की जगह पे ट्राई कर सकते हो, हैदर नाइट को अलग साइड पे कर लीजिएगा, बट ये मेरी ड्रीम टीम है, मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे जरूर से शेयर कर दूंगा। एक हका मुझे ट्राई करना ही था इसलिए मैं ट्राई करना पड़ा मुझे। तो ओवरऑल टीम बच चुकी है, सेम टीम के साथ जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अमाउंट एवरेज इन्वेस्ट करना, और ये मत सोचा कि क्रेडिट प्रॉब्लम पड़ रहा है, लॉजिक अगर यूज़ करोगे तो कोई भी क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तब इस टीम से जाकर कॉन्टेस्ट बुक कर सकते हो, हैदर नाइट वगैरह मैं ट्राई जोर से करूँगा, आपको पता है हैदर नाइट को ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, अब इवेंट को तो ड्रॉप कर नहीं सकता पहली बात। अब बात करते हैं गिव अवे विनर्स के,